Okay, today I'm taking the sentences of present perfect tense. Present perfect tense ki main sentence le raha hu. So let me show you the sentences of present perfect. Okay, let's begin. The first sentence is, मैंने अपना homework कर लिया है. See, मैंने means I. कर लिया है, this is, या है, ये है, ये है, this is present perfect tense. Step one, is to recognize the tense. Pehla step tense ko recognize karne ka, and you will recognize the tense by reading the end of the sentence of Hindi. Hindi sentence ke end ko dekhna aapko. You are to see the tail of the sentence. Liya hai, ya hai, ye hai, ye hai. This is the keywords for recognizing present perfect are chuka hai, write down, chuke hai, chuki hai, ya hai, ये है, ई है, एटसेट्रा. ए है पे खत्म हो सकता है जरूर होना चाहिए, अदरवाइज ये पास्ट सिंपल बन जाता है. अगर था लगा देंगे, दिस विल बिकम पास्ट परफेक्ट. ये आपकी पहचान थी, चुका है, तो या है, ये है, ये है भी इसकी पहचान है. जैसे था लिया है, दिस इज आल्सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड स्टेप टू, यू आर टू थिंक अबाउट दी वर्ब्स. वर्ब इसमें क्या आते हैं? Has या have plus v3. Has, have plus v3. These are the verbs used in present perfect tense. Has plus v3 is used with he, she, it, and any name, Rohit. And have plus v3, I, we, you, they, and third person plural nouns. तो ये वर्ब के बारे में हुआ और ये पहचान के बारे में हुआ. आपको ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, माइंड में बिठा के रखनी पड़ेंगी. आप इनको तो याद करोगे, रट्टा लगाओ, जैसे मर्जी करो. इनको पहचान को याद करना है और वर्ब को याद करना है कि किसके साथ है जाएगा, किसके साथ है भाई. अब सेंटेंसेस को, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है. मैंने की इंग्लिश क्या होती है? आई, राइट. अब आपको सोचना है कि ये कौन सा टेंस है. लिया है से क्लियर हो गया, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब, आपको सोचने की वर्ब कौन सा लगेगा. मैंने का मतलब होता है आई. आई के साथ हैज आता है या हैव आता है. आई हैव. और थर्ड फॉर्म भी आती है, कर लिया है, वर्क करना, होमवर्क करना, कंप्लीट करना. मान लीजिए डन तो अच्छा नहीं लगता. आई हैव कंप्लीटेड, ये आई है. I have completed my homework. I have completed my homework. Clear? तो इस तरीके से पहला sentence हमने बना लिया है. Let me see. The stream is continuing. Okay. After some delay, it's continuing. Second sentence, Mohan ने खाना खा लिया. Mohan is the subject. This is खाने का, this is verb. ये verb है इसमें. तो structure क्या है? Subject plus verb प्लस अदर वर्ड्स. मोहन, अब आपको देखना है टेंस कौन सा है. या है, ये है, ये है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वो हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे? हैज या है. मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर. मोहन हैज थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. खाने की ईटन होता है. हैज ईटन क्या? खाना. ईटन फूड. मोहन हैज ईटन फूड. Mohan has eaten, ये verb phrase है. और ये आपका ये object हुआ. Other words में आता है. जरूरी नहीं होता है कि सभी sentences में object होते हैं. कई teacher ये बताते हैं कि sentence का structure होता है subject plus verb plus object. Object नहीं होता. जरूरी नहीं है कि object हो. आप यहाँ safely कहिए other words. Clear? Interview में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. आप यही बताते हैं, ऑब्जेक्ट बता देते हैं, आप वहीं फंस जाते हो. अदर वर्ड्स कहिए आप. थर्ड नेक्स्ट सेंटेंस लेके चलते हैं. रोगी अपने बिस्तर पर चला गया है. द पेशेंट, रोगी क्या है? पेशेंट. चला गया है, या है, ये है, ये है. हैज हैव थर्ड फॉर्म पता ही आपको लगेगी. हैज हैव प्लस v3 रोगी. द पेशेंट इसलिए आया कि पर्टिकुलर पेशेंट की बात होगी. जब भी आप कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे, आपके माइंड में मान लो कोई हॉस्पिटल में है, तो ये कहेंगे हाँ हाँ यस
रोगी चला गया, द पेशेंट हैज गोन टू हिज बेड, द पेशेंट चला गया है, हैज हैव हैज गोन, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हैज आएगा हैव आएगा, हैज गोन टू हिज बेड, अपने के लिए, रोगी के लिए थर्ड पर्सन है तो हिज आएगा, ही का हिज होता है अपना, आई का माई होता है अपना, यू का यू यू का योर होता है अपना, राइट, इट का इट्स होता है, ये ध्यान रखना, दे का देम देयर होता है अपना, पोजेसिव केस है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी, बच्चों को इन चीजों का भी नहीं पता, टीचर को बार बार बताना चाहिए इनके बारे में। द पेशेंट हैज गोन टू हिज बेड, नेक्स्ट, किसान ने सिंचाई कर दी है, खेत में सिंचाई कर दी है, द फार्मर, किसान सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, हैज आएगा, द फार्मर हैज इरिगेटेड, इरिगेट करना, सिंचाई करना, और थर्ड फॉर्म आएगी इरिगेटेड, खेत में इरिगेटेड द फील्ड, द फार्मर, सॉरी ये फादर नहीं है, दिस फार्मर, द फार्मर हैज इरिगेटेड द फील्ड, द फार्मर हैज इरिगेटेड द फील्ड, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स, अगर आपको कुछ पूछना है यू कैन आस्क मी, उसने अपने खेत में बीज बो दिया है, ही उसने बीज बोना, ही हैज तो लगेगा ही लगेगा, ही के साथ देख के आप ये सब्जेक्ट चेक करके, आई तो हैव लेगा, वी हैव लेंगे, दे हैव लेंगे, ही हैज सोव्ड, सोव करना होता है बीज बोना, सोव्ड सीड्स इनटू हिज फील्ड, ही हैज सोव्ड फील्ड सीड्स इनटू हिज फील्ड, रुक्मणी खाना पका चुकी है, चुका है, चुके है, चुकी है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रुक्मणी हैज लेगी, हैज कुक्ड या प्रिपेयर्ड फूड, पकाना है तो कुक ठीक रहेगा, फुल स्टॉप, हत्यारा फरार हो चुका है, हत्यारा द मर्डरर, हैज फरार होना, फ्लेड, फ्ली फ्लेड फ्लेड, द मर्डरर हैज फ्लेड, हैज एस्केप्ड भी कर सकते हो, इस सप्ताह के दौरान ये फ्रेज लगी हुई है, उसके दादाजी का स्वर्गवास हो गया, उसके दादाजी, हिज यहां से बनाइए, हिज ग्रैंडफादर हैज लगेगा एक्सपायर्ड, स्वर्गवास होना, हैज एक्सपायर्ड, ये एडवर्बियल फ्रेज है, ड्यूरिंग इस सप्ताह के दौरान, दौरान ड्यूरिंग आता है, ये नहीं पता कब, ड्यूरिंग दिस वीक, अगर मंडे ट्यूसडे कुछ भी दिन बता दें तो सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है, आपने स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हिज ग्रैंडफादर हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग दिस वीक, वर्षा थम चुकी है, नाउ, नाउ भी इसका कीवर्ड है, कीवर्ड आपको ध्यान रखने हैं, इंग्लिश में तो होते ही हैं और हिंदी अगर उनकी कर लो तो हिंदी में आते हैं, नाउ, अब, येट, अभी भी, एवर, कभी, नेवर, कभी नहीं, ऑलरेडी, पहले ही, ये सारे कीवर्ड इसी टेंस के हैं, और जस्ट नाउ, अभी अभी, जस्ट नाउ, हाल ही में, अभी अभी, रिसेंटली, हाल ही में, ये लिखने वाली बातें, रिसेंटली, लेटली, हाल ही में होता है, तो ये कीवर्ड, दीज आर द कीवर्ड, सो फार, अब तक, एक ये, जब भी किसी सेंटेंस में ये मिले, हिंदी के या इंग्लिश के, तो आप समझ लीजिए ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब वर्षा बंद हो चुकी है, द रेन हैज स्टॉप्ड नाउ, या फिर इट से बना सकते हो, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग नाउ, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, या द रेन हैज स्टॉप्ड नाउ, वर्षा है तो आप कहिए द रेन हैज स्टॉप्ड नाउ, तुम्हारी बारी समाप्त हो चुकी है, आपकी बारी, योर टर्न हैज एंडेड, आपकी टर्न खत्म हो चुकी है, अब मैं थक चुका हूँ, अब बाद में लगाइए, आई पहले, आई, आई हैव, थकना ये थोड़ा पैसिव में बनेगा, आई हैव गॉट लगेगा, इसमें पॉजिटिव है, आई हैव गॉट टायर्ड, अपने आप ने किसी काम ने आपको थकाया, मेक और गेट का यूज वाले सेंटेंस है, पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं ये, गॉट के साथ थर्ड फॉर्म आती है, मेक के साथ मेट या मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, आई हैव गॉट टायर्ड, मैंने लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया है, आई हैव टेकन एडमिशन इन ए लॉ कॉलेज, आई हैव टेकन एडमिशन इन ए लॉ कॉलेज, सारी फसलों को उन्होंने नष्ट कर दिया है, द
हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स क्या होते हैं, स्कोले, हैव एक से ज्यादा हैव आएगा, डिस्ट्रॉयड सारी फसलें, ऑल द क्रॉप्स, द हेलस्टोन्स हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, बूढ़ा व्यक्ति अपने दुखों को भूल चुका है, द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, हैज फॉरगॉटन भूल चुका है, थर्ड फॉर्म इज वोज या सफरिंग्स, ओल्ड मैन हैज फॉरगॉटन हिज वोज या सफरिंग्स, तुमने तो हद कर दी है, यू हैव क्रॉस्ड, यू हैव क्रॉस्ड द लिमिट्स, ऑल द लिमिट्स भी कर सकते हो, तो दिस इज एक्सरसाइज वन दैट इज कंप्लीट नाउ, एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, ओके 16 मिनट की हमारी स्ट्रीम हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे, कंटिन्यू रखते हैं, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव में हैज हैव के बाद नॉट लग जाता है, आई हैव सेड नथिंग टू यू, आई हैव सेड नथिंग टू यू, अध्यापक ने विद्यार्थी को शारीरिक दंड दिया है, नहीं दिया है, द टीचर has not given physical punishment to the student, एक से ज्यादा students, the teacher hasn't given physical punishment to the students, उसने इस वर्ष अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है, उसने कौन, he has not completed his studies this year, this year भी इसका keyword है, अब ये नहीं पता कौन से महीने में खत्म करिए, पीरियड ऑफ टाइम इज मेंशन्ड हियर, प्रेजेंट परफेक्ट में पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया होता, मजदूरों ने अपनी हड़ताल समाप्त नहीं की है, द लेबरर्स हैव नॉट कॉल्ड ऑफ, कॉल ऑफ करना होता है बंद करना, समाप्त करना, कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक, अध्यापक ने बच्चों को नहीं डांटा है, द टीचर हैज नॉट scolded, scold करना, rebuke करना, scolded the children, मैंने यह फिल्म हाल ही में देखी है, हाल ही इसका कीवर्ड है, recently, I have watched this movie recently, lately भी कह सकते हैं, recently भी, this is also हाल ही, जसवीर ने मोहित को धोखा नहीं दिया है, जसवीर has not deceived, deceive करना, cheat करना, एक ही बात है, Deceived Mohit has not deceived Mohit. Mukesh ने मंत्री की आलोचना नहीं की है. Mukesh has not criticized the minister. Rohit ने राजेश के जीवन में कोई समस्या पैदा नहीं की है. Rohit has not created any problem in Rajesh. ताके लिए ये ऐसा आएगा कॉमेस राजेश की के जीवन में. राजेश Like, created any कोई हो गया ओके आली ने पौधों को पानी नहीं दिया है द गार्डनर हैज नॉट वॉटर्ड द प्लांट्स चोरों ने इस मकान में शरण नहीं ली है चोरों ने इस मकान द थीव्स हैव नॉट टेकन शरण की इंग्लिश होती है शेल्टर कहाँ पे इन दिस हाउस द थीव्स हैव नॉट टेकन शेल्टर इन दिस हाउस मंत्रियों ने अभी शपथ ग्रहण नहीं की है मंत्रियों ने अभी शपथ नहीं ग्रहण की है द मिनिस्टर्स हैव नॉट टेकन ऑथ ऑथ शपथ होती है लेते हैं जब ये अपना कार्यभार संभालते द मिनिस्टर्स हैव नॉट टेकन ऑथ अभी येट येट ये नेगेटिव सेंटेंस में ही आता है ऑलराइट ये हो गए हैं हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस भी बना लिए एक राउंड लेके चलते हैं फटाफट इंटरोगेटिव का क्या वर्षा थम चुकी है एज द रेन स्टॉप क्वेश्चन मार्क क्या तुमने भी इस पोस्ट के लिए आवेदन किया है हैव यू आल्सो अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट ये थोड़ा ये टाइट रखे हैं एक्चुअल में ध्यान नहीं होगा कि इनको करना है क्या तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया जब है ये क्या बाहर होता है तो इसका मतलब हैज है बाहर आएंगे हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है हैज द टेम्पेस्ट क्रिएटेड या कॉज्ड कॉज्ड बढ़िया कॉज्ड हैवी लॉस हैज द टेम्पेस्ट कॉज्ड हैवी लॉस क्या पुलिस ने अपराधी को अपना जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया है
या पुलिस ने, पुलिस के लिए हैज आएगा अगर आप इसको सिंगुलर मानते, हैज द पुलिस फोर्स्ड, फोर्स करना मजबूर करना, कंपेल्ड, कंपेल्ड भी इसका बनता है, कंपेल्ड किसे, द क्रिमिनल अपराधी, बट क्या करने के लिए, टू कन्फेस कबूल करना, इज क्राइम, हैज द पुलिस फोर्स्ड या कंपेल्ड द क्रिमिनल टू कन्फेस इज क्राइम, क्या मजदूरों ने वृक्ष काट गिराया है, मजदूरों ने एक से ज्यादा है तो हैव आएगा, हैव द लेबरर्स, हैव द लेबरर्स काट के गिराना, फेल, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेल्ड द ट्री, क्या किसानों ने अपने खेतों में हल चलाया है, हैव द किसान एक से ज्यादा है तो हैव आएगा, हैव द फार्मर्स प्लो, प्लो करना है हल चलाना, प्लोड इनटू देयर अपने फील्ड्स, क्वेश्चन मार्क, क्या राजेश ने अपना सामान पैक कर लिया है, हैज राजेश पैक्ड हिज लगेज, क्वेश्चन मार्क, सभी में क्वेश्चन मार्क लगाते जाइए, क्या बच्चा सो चुका है, हैज द चाइल्ड स्लेप्ट, क्या मरीज होश में आ चुका है, हैज द पेशेंट कम टू सेंसेस, क्या मरीज, क्या रेल स्टेशन पर आ चुकी है, हैज द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, क्या मरीज दम तोड़ चुका है, हैज द पेशेंट डाइड, क्या तुमने मुझे, मुझसे कोई बात छुपाई है, हैव यू हिडन एनीथिंग फ्रॉम मी, आगे पास्ट परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कैसे आता है ये बाद में कल को करेंगे हम फिर, या जब रीता घर पहुंची तो रात के 9 बज चुके थे, तो ये सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है, वी शैल डू इट टुमारो, तो आज बस इतना ही, ऑलराइट।